हेयर स्टाइल पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है, इसीलिए आमतौर पर कलाकार अलग तरह के बाल रखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग अलग। हेयर स्टाइल को लेकर आपकी पसंद जाहिर करती है कि आपकी पर्सनैलिटी और मानसिकता कैसी है। इसके अलावा हेयर स्टाइल का लुक के लिहाज से भी बहुत महत्व है। बेढंगे बाल अच्छे खासे व्यक्तित्व का भी कबाड़ा कर सकते हैं। यही वजह है कि किसी भी बड़े लाइफ इवेंट के पहले अन्य तैयारियों के साथ बाल भी कटाए जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि इवेंट से कितने दिन पहले बाल कटाए जाने चाहिए? जानिए जवाब। पहली नज़र में यह सवाल मजाकिया लग सकता है, लेकिन यह गंभीर प्रश्न है। कल्पना करें कि आपकी शादी हो और बाल उटपटांग ढंग से कटे हों तो आपकी कैसी हालत होगी। यह जानना बेहद जरूरी है कि इवेंट से कितने दिन पहले बाल कटाए जाने चाहिए। यह जानना इतना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा एक संपर्क से बात करके इसके बारे में जाना। ज्यादातर लोग इवेंट से एक दिन पहले बाल कटवाते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। विशेषज्ञों की राय में इवेंट से दो या तीन दिन पहले बाल कटवाए जाने चाहिए। दूसरी तरफ बहुत पहले कटिंग करवा लेने का भी कोई मतलब नहीं होता है। मिसाल के लिए यदि रविवार को इवेंट है यानी शादी इंटरव्यू डेट जैसा कोई मौका है तो गुरुवार या शुक्रवार को बाल कटाए जाने चाहिए। एक सपर्ज का कहना है कि कटिंग के बाद बालों को सेट होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। इसके बाद आप उन्हें लेकर सहज हो जाते हैं। 2 या 3 दिन पहले हेयर कट करवाने का एक फायदा यह भी है कि आप चाहें तो इस बीच कोई करेक्शन भी करवा सकते हैं। वैसे करीने से कट्टे बालों का असर 3 दिनों तक रहता है। मैन स्टाइल ओइकॉन निक वूस्टर के अनुसार कुछ बार कहते हैं कि अच्छे हेयर कट और खराब हेयर कट के बीच अकेला अंतर 3 दिनों का होता है। स्टाइल एक सपर्क्स का कहना है कि हेयर स्टाइल बेहद महत्वपूर्ण होती है और बड़े इवेंट के लिए आपके बाल परफेक्ट ही होने चाहिए।